सिक्स मे में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आपका अपर एयर में होता है सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसमें सिक्स का आसपास हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में हो सकता है। फिर सेवेंथ में वो कॉन्सेंट्रेट होकर के उसका इंटेंस लो प्रेशर डेवलप हो सकता है। ये सेवेंथ में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में ही होगा, होने का पॉसिबिलिटी है। फिर एइथ में इसका इंटेंसिफिकेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है डिप्रेशन में। एइथ मे में इसका डिप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन होने का चांसेस है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। फिर इसका मूवमेंट हमारा नियरली नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल बे तक, टुवर्ड्स सेंट्रल बे तक रहेगा, सेंट्रल बे टुवर्ड्स में रहेगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म भी होने का चांसेस है उसका बाद इंटेंसिफिकेशन में। बट इसका पाथ और फर्दर इंटेंसिफिकेशन जो है उसका क्लियरिटी और भी आएगा लो प्रेशर फॉर्मेशन का बाद। फिर तो लो प्रेशर जब फॉर्मेशन होगा इसका पाथ का रिगार्डिंग, और उसका बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी जो है मेनली हमारा इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में है सिस्टम, बट अभी हमारा मेन इन्फॉर्मेशन जो है फिशरमैन के लिए, फिशरमैन का हमारा उड़ीसा कोस्ट के लिए नहीं है, उड़ीसा कोस्ट के लिए कोई वार्निंग नहीं है अभी। बट अभी क्योंकि सिस्टम अभी बहुत दूर में फॉर्मेशन होने वाला है, बट अंडमान निकोबार आइलैंड और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल डीप्स एरिया में जो है कभी कभी बहुत दूर में जाता है। बट हमारा मेनली उड़ीसा से नहीं जाता है, बट दूसरे एरिया से जाता है, बट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए फिशरमैन के लिए। तो डीप सी एरिया जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया, उसमें से हम लोग स्क्वायर वेदर स्टार्ट होगा सेवेंथ से। तो सेवेंथ से उस एरिया में जाने के लिए मना किया है। और जो लोग अभी अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिज्म टूर का प्लान कर किया है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा 8 to 11 इसमें बैड वेदर कंडीशन मीन्स हेवी रेनफॉल भी हो सकता है और स्क्वाली वेदर भी होने का चांसेस है। तो टूरिज्म व ट्रैवलिंग हमारा जो ट्रैवल करने के लिए प्लान है जिनका अंडमान निकोबार आइलैंड में